गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय विकास जैन। समझ में आ रहा है सबको? आपको अगर कोई भी डाउट आता है आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन पढ़ना जरूरी है। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। सेकेंड, ट्राइंगल लो, पैरेललोग्राम लो, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थर्ड, वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट, हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। क्या आया था मैग्नीट्यूड, याद है? आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। टेन बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बच्चों ईमानदारी से यहां तक प्रैक्टिस जरूर कर लेना। नाउ नेक्स्ट, बहुत अच्छा टॉपिक है यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वन। ये ओनली यूज होगा डायरेक्शन बताने के लिए। देखो कैसे, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन इज नोन एज यूनिट वेक्टर। इट इज ओनली यूज टू टेल द डायरेक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहां पे कोई भी नाम लिखा होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, व्हाट एवर इज देयर, उसके ऊपर क्या लगाओगे, कैप। कैसे रीड करोगे, ए कैप बी कैप सी कैप। ओके, ए कैप इज इक्वल टू कैसे डिफाइन होगा, गिवन वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। गिवन वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस, मॉडुलस को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। निकालते कैसे बेटा मॉडुलस, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉफिशियंट ऑफ आई कैप स्क्वायर, कॉफिशियंट ऑफ आई कैप स्क्वायर प्लस कॉफिशियंट ऑफ जे कैप स्क्वायर प्लस कॉफिशियंट ऑफ के कैप स्क्वायर। मैं भी आपको एग्जांपल समझाता हूं। आपने कहा ना इट इज ओनली यूज टू टेल द डायरेक्शन। देखो इधर कुछ स्पेसिफिकेशन है, आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। क्लियर? यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होगा, ओनली यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप इसे, ए कैप इज इक्वल टू गिवन वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। मॉडुलस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप स्क्वायर। आई कैप जे कैप के कैप, एग्जांपल बेटा, सपोज आर वेक्टर गिवन है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका मॉडुलस कैसे निकालोगे, अंडर रूट coefficient of i cap square x square plus coefficient of j cap square y square plus coefficient of k cap square z square. So r vector और modulus क्या आ गया बेटा, that is square root of x square plus y square plus z square. r cap unit vector, given vector upon its modulus, given vector x i cap plus y j cap plus z k cap divided by its modulus square root of x square plus y square plus z square. एक क्वेश्चन है बेटा, सपोज वेक्टर गिवन है आपको बी वेक्टर दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप, बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बताओ जल्दी से। स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 दैट इज 25, कितना आ गया 5। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, v कैप गिवन वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। अंडरस्टूड, यहां तक आया समझ में, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ बेटा नेक्स्ट इज रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रिजोल्यूशन मतलब किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स फाइंड आउट करना, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लाइक दिस, दे मस्ट बी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। बेटा दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि आगे 12th क्लास में भी काम आने वाला है। सपोज एक वेक्टर दिया हुआ है आपको, ए वेक्टर, इट्स मैक्सिमम एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस। बहुत आसान है समझो, ये है ए वेक्टर एक्स, ये है ए वेक्टर वाई। मैंने क्या लिखा, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। याद है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर आपने दो वेक्टर्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है तो उनके डायगोनल से निकलने वाला ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनका रिजल्टेंट। तो ए वेक्टर क्या होगा, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। क्लियर? नाउ ax किस तरफ है, along the x-axis, तो unit vector क्या लिखा मैंने, i cap, unit vector क्या होता है, given vector upon its modulus, i cap is equal to ax vector upon ax, cross multiply करो,
ax वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया ax i कैप। सिमिलरली ay किस तरफ है y एक्सिस में, तो यूनिट वेक्टर j कैप इज इक्वल टू ay वेक्टर अपॉन ay, क्रॉस मल्टीप्लाई करो a वेक्टर y इज इक्वल टू ay j कैप। अब ये ax वेक्टर की वैल्यू ay वेक्टर की वैल्यू यहां पुट कीजिए, a वेक्टर एज इट इज ax i कैप प्लस ay j कैप। आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे, हां क्लास 11 आवाज नहीं आई, स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ i कैप का स्क्वायर, a स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y। यहां तक कोई डाउट आपको समझ में आया, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर ये पूरी कहानी आपके सामने है, एक बार नहीं दो बार रिपीट कर लेना। नाउ इस ट्रायंगल में यूज करो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सबसे पहले cos थीटा, क्या होता है cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है बेटा ax, हाइपोटेनियस कितना है a, ax अपॉन a, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, तो ax इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a cos थीटा, क्लियर। दिस इज द कंपोनेंट अलोंग द एंगल, ध्यान रखना अगर आप कंपोनेंट या वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हो अलोंग द एंगल, ऐसे अलोंग द एंगल, तो क्या आएगा cos थीटा। नाउ अब लेते हैं यहां पे sin थीटा, sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल के जस्ट सामने ये परपेंडिकुलर, ay अपॉन हाइपोटेनियस, ay इज इक्वल टू a sin थीटा। इक्वेशन 2 में 1 का डिवाइड लगाओ, तो यहां पे क्या आ जाएगा ay अपॉन ax, a से a कैंसिल, sin अपॉन cos क्या हो जाएगा बेटा tan थीटा। आया किसी वेक्टर को रिजॉल्व कैसे किया जाता है, चलो इक्वेशन सॉल्व करो, राइट करो नोटबुक में, ये दिया हुआ है बेटा टेन और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो बताओ इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, तो बहुत आसान है देखो अगर ये 30 तो ये वाला एंगल कितना होगा 60, तो ये वाला कंपोनेंट अलोंग द एंगल टेन कॉस 60 और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा tan sin 60, ठीक है क्या होगा बेटा tan sin 60, tan cos 60, tan multiply by 1 upon 2, ये आ गया 5 यूनिट और ये आ गया आपका tan into root 3 upon 2, that is 5 root 3 यूनिट। अगर आप along the angle जाते हो तो cos theta, opposite to angle जाते हो तो sin theta, clear? Now next, suppose ये दिया हुआ है 20, इट्स मैक्सिमम एंगल 60 विद इट, मैंने क्या बताया था अलोंग द एंगल जाते हो तो cos थीटा, तो यहां पे आ जाएगा 20 cos थीटा, 20 cos 60 और यहां पे आ जाएगा 20 sin 60। आप अपने आंसर को चेक कर लेना, यहां पे एंगल लेना 30 तो ये इक्वल होना चाहिए 20 cos 30 के, चेक करना बेटा चेक जरूर करना, और ये इक्वल होना चाहिए 20 sin 30 के। अगर ये वैल्यूज इक्वल आ रही है तो आप समझ जाओगे कि आपको कंपोनेंट्स लेना आ चुका है। आज का पहला टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, कैसे मॉडुलस निकालते हैं, आर यू गेटिंग इट, क्वेश्चन नंबर सॉरी टॉपिक नंबर 2 किसी वेक्टर को रिजॉल्व कैसे किया जाता है। चलो एक क्वेश्चन लिखो बेटा, आपके पास दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप और B वेक्टर गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। गिवन ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दे आर इक्वल वेक्टर। बच्चों इक्वल वेक्टर की कंडीशन वीडियो देखना फर्स्ट वाला, दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालो स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 1, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 14, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। आया समझ में, आज के टॉपिक में कोई डाउट है, 3 वीडियोस हो चुके हैं प्रॉपरली, वीडियोस को दोबारा देखो, वेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर भी अगर आपको डाउट आता है डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट करना, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।